सामने आज मैं आपको लेकर आई हूँ ईआन स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन में, और यहाँ पर आज है फ्रेशर डे। तो मेरे साथ साथ आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ के स्टूडेंट का एनर्जी लेवल कितना हाई है। मेरे साथ साथ आपको भी यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा क्योंकि देखने के लिए बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक दमदार परफॉर्मेंस से। भैया ये कैसे दिए फूल? 20 रुपये? बहुत महंगा है। काम करो, आप इसे फ्री का ही दे दो। ऐश्वर्या पहचानो मुझे, मैं कौन? आप कौन मुझे याद? शिल्पा फ्रॉम केवी 8 स्टैंडर्ड सिंगिंग। ओह हाय शिल्पा, कैसी है? कितने दिनों के बाद मिली यार, काफी मोटी हो गई है पहले यार। ऐसे मत बोल, डाइट में हूँ मैं। अच्छा लगता तो नहीं है। और बता क्या कर रही है आजकल? यार अभी मैंने बस ईआन स्कूल में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दिया। क्या बात कर रही है यार, मैं भी ईआन स्कूल में पार्टिसिपेट किया यार, उसमें मैं मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ। तू है उसमें? तू भी है? हाँ यार मैं भी। मजाक मत कर यार। अरे यार साथ में एक साथ स्कूल के पुराने दिनों को याद करेंगे यार। और बता फिर घर में कैसे हैं लोग? सब ठीक है, तेरे घर में बता कैसे हैं? अरे भाई वैसे का वैसे यार, चढ़ 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 चढ़। मैं तो परेशान हो गई हूँ, मम्मी ने पैदा ही क्यों किया इसको यार। मेरा भाई खुद पता है सर दर्द है, बड़ा है, सर पे खड़ा रहता है, ये कर वो कर, दिमाग खराब कर दिया। और अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दियो, ठीक है? अच्छा मैं देती हूँ, रुक जाओ। ठीक है मिलते हैं स्कूल में। ओके बाय। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, मुझे बहुत मजा आया इन दोनों का इंट्रोडक्शन सुन के। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी बहुत मजा आ रहा होगा। आइए कुछ और परफॉर्मेंसेस देखते हैं और मजा लेते हैं। नेक्स्ट परफॉर्मर इज अंजलि एंड अंकेश, एंड द टॉपिक इज टेलिंग योर फ्रेंड अबाउट अ न्यू प्लेस यू हैव रिसेंटली विजिटेड। तुम नई ट्रिप पे गई थी ना कहीं पे? हाँ मैं तो दिल्ली गई थी, और तुझे पता है इतना अच्छा जगह है कि बता नहीं सकती। वो एक ड्रीम कम प्लेस है, वहाँ पे पता है सब चीज़ मिलते हैं और बहुत बड़ी जगह है। वहाँ पे यू नो वैरायटी ऑफ पीपल्स हैं, तुम जहाँ जाओगे वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। यहाँ की लाइफस्टाइल भी सबसे डिफरेंट है। हाँ एकदम अलग है, सभी से अलग है, यू नो यहाँ पे सब चीज़ मिलेगा। एंड यू नो व्हाट, यहाँ पता है यहाँ पे जितने पॉलिटिकल पार्टी इंडिया की सबके यहाँ पे हेडक्वार्टर्स है। हाँ और यू नो जर्नलिज्म और ये फिर किसी भी आप फील्ड में चले जाओ पढ़ाई के लिए तो ये बेस्ट प्लेस है। तुम जहाँ भी जाओ और तुम भी एक बार जाके वो प्लेस ट्राई करो, बहुत अच्छी प्लेस है, बहुत अच्छी। तुमने वो देखा रेड फोर्ट? हाँ मैं तो गई थी, मैंने ना फैमिली के साथ रात में हम लोग घूमने गए थे। और यू नो बस यहाँ की एक ट्रैफिक प्रॉब्लम है, यू नो बहुत बुरी प्रॉब्लम। यार रियली मेट्रोज इतने रूट्स आगे बट ट्रैफिक प्रॉब्लम तक निकलता ही नहीं है। यू नो सभी यहाँ आ जाते हैं घूमने के लिए, बस घूमते ही रहते बस ट्रैफिक। बट यू नो व्हाट, एक बात बताया तुम्हें? बता। हमारे जो वो मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने अभी एक न्यू वो करा है कि अभी ट्रांस ना दिल्ली में चांदनी चौक टू ऑल दिल्ली। अच्छा वहाँ भी हो रही है, फिर तो अच्छा है, दिल्ली तो और लोगों के लिए अच्छी हो जानी है। यार स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन के जितने भी फ्रेशर हैं इतने टैलेंटेड हैं कि हमें ये सोचना पड़ रहा है कि किसका टैलेंट आपको दिखाएं और किसका ना दिखाएं। मेरे साथ यहाँ इस वक्त मौजूद हैं ऐश्वर्या, जिनकी आवाज़ बहुत ही मीठी और प्यारी है। आइए इस मीठी सी प्यारी सी आवाज़ में आपको बहुत प्यारा सा सॉन्ग सुनाते हैं। कभी नीम नीम कभी शहद शहद कभी नर्म नर्म कभी सत सत मोरे पिया हो नजरों के तीर में बसा है प्यार जब भी चला है वो दिल के पार राजा से मरे लिए जिया पिया राजा से मरे लिए जिया पिया रे राजा से मरे लिए जिया। ऐश्वर्या मुझे लगता है इतने प्यार से और इतनी लज्जा से तो कोई भी मर जाएगा। मुझे लगता है कि आप मेरी इस बात से एग्री करते होंगे। आइए कुछ और परफॉर्मेंसेस का मजा लेते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। यस ममता तिवारी, वेलकम। टेल मी वन रीज़न व्हाई शुड वी टेक यू फॉर MMC। मैम क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एलिजिबल हूँ। एलिजिबल? यू थिंक दैट्स अ वैलिड रीज़न? मैम मेरा मेन रीज़न जर्नलिस्ट बनने का ये है कि इस देश में ऐसे करप्टेड और ऐसे करप्शन लोग बसे हुए हैं जो कि इस देश को अंदर से खोखला करते जा रहे हैं, और मैं सारे करप्शन और सारे करप्टेड लोगों को इस देश से हटाना चाहती हूँ ताकि हमारा देश समृद्ध और शक्तिशाली बन सके। आपके विचार बहुत अच्छे हैं, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, थैंक यू वेरी मच। आप MMC क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? मैं MMC इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मीडिया में जाना पसंद है, मुझे लिखने का शौक़ है, दुनिया को देश अपने समाज को एक नए नज़रिए से देखना चाहता हूँ, और ये चाहता हूँ कि उस आवाज़ को पहुँचाया जाए सरकार तक जो इस समाज में दब के रह गई है, इसलिए मैं मीडिया में आना चाहता हूँ। और
आप दोनों का भी स्वागत है। इतनी जल्दबाजी क्या है, ज़रा रुक जाइए। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने बात कही, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई कोर्स ज्वाइन करें, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। वो सिर्फ दिल में एक जज्बा होना चाहिए कि हमें लोगों की मदद करनी है। आइए, हाजिर आने वाला है बहुत सारा मज़ा, क्योंकि इस वक्त होने वाला है पुशअप कॉम्पिटिशन, और ये होने वाला है जय जय, और मेरे साथ वीरू नहीं है, संजीव संजीव, यानी जय और संजीव के बीच होने वाला है पुशअप कॉम्पिटिशन। तो तैयार हैं आप दोनों? शुरू करें, चलिए स्टार्ट। 1 2 3 पुशअप कंपटीशन के विनर मिल गए हैं, और विनर है संजीव। संजीव के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू लॉट। संजीव के लिए जोरदार तालियां एक बार दिल से जोरदार। क्या बात है संजीव, आपको मिलता है जी सलाम की तरफ से ये इनाम, बहुत बहुत मुबारक हो। अब वक्त आ गया है इन लोगों से सवाल पूछने का। आप जानते हैं इनको अगर हमें सही जवाब दे देते हैं तो हम इनको देंगे ये इनाम। मेरा सवाल ये है आपसे कि हिंदुस्तान की पहली लेडी गवर्नर का नाम क्या है? ओके, लेडी गवर्नर, प्रतिभा। कितनी इंटेलिजेंट हो तुम, सब पता चल गया। तुम लोग बताओ। नहीं पता लेडीज का क्या? सरोजनी नायडू। इनको भी नहीं पता है। कोई और गैस करना चाहता है हिंदुस्तान की पहली लेडी गवर्नर का नाम? प्रतिभा पाटिल। लेकिन जिसने जवाब दिया है वो बिल्कुल सही जवाब है। हिंदुस्तान की पहली लेडी गवर्नर थी सरोजनी नायडू, और ये मुझे सही जवाब दिया है कबीस कबीस कबीस। बहुत बहुत मुबारक हो, इनके लिए ज़ोरदार तालियां। कबीस, आपको मिलता है जी सलाम की तरफ से ये इनाम, साथ ही साथ एक मौका हमारे इस प्रोग्राम के जरिए। आप अपने किसी भी मिलने वाले को, मम्मी पापा को, रिश्तेदार को, फ्रेंड्स को, गर्लफ्रेंड को, या फिर भाई बहनों को कोई एक मैसेज दे सकते। मैं अब यहाँ पर अपने सपने को पूरा करने के लिए आया हूँ, और उसे मैं पूरा ज़रूर करूँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, और उसके लिए मैं जितना भी मेहनत हो सकता हूँ उतना करूँगा। मेरा दूसरा सवाल है कि वो कौन सी एक्ट्रेस हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया? विद्या बालन, रेखा, सुष्मिता सेन, दिव्या भारती, प्रियंका चोपड़ा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, नहीं पता, रेखा, नहीं ना उनको आपने कभी देखा, प्रियंका चोपड़ा, नरगिस, 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 ज्योति। ज्योति के लिए जोरदार तालियां। नरगिस दत्त जी को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था 1958 में। तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपको मिलता है ये इनाम। मैं अपनी बस मम्मा को, अपनी दी को, अपनी मम्मा को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आई मिस यू लॉट। नाज़रीन, देखा आपने यान स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन में, मुझे बहुत मज़ा आया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे साथ साथ आपने भी बहुत सारी मस्ती की होगी और आपको आपके पुराने दिन याद आ गए होंगे। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन आप चाहते हैं कि हम आपके स्कूल कैंपस या कॉलेज में आके इसी तरह बहुत सारी मस्ती करें, तो आप हमें खत, ईमेल और SMS के ज़रिए बुला सकते हैं। नोट कीजिए हमारा एड्रेस। उम्मीद करते हैं नाज़रीन कि आपने हमारा एड्रेस नोट कर लिया होगा। मुझे यानी सादिया खान को दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी आपके इसी शो पे, जिसका नाम है यू कैन टॉक।